स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, वापस आने के लिए और मेरे इतने अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एडवांस में सॉरी बोलूँगी। एक्चुअली पता नहीं मेरे फ़ोन के माइक में क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले एक फ़ोन अपडेशन आया था, मैंने जस्ट अपडेट किया जैसे एंड्रॉयड अपडेट होता है, और उसके बाद से तो बैंड बज गई है। मतलब ये पहले क्या होता था, मेरी आवाज़ पहले पकड़ता था और बैकग्राउंड में जैसे कुछ छोटी मोटी आवाज़ जैसे एसी की चलने की आवाज़, पंखे के चलने की आवाज़, घर में थोड़ा बहुत जो काम होता है उसकी आवाज़ बाद में नोटिस करता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उन आवाज़ों को भी बहुत रिकॉर्ड करता है, एंड मुझे आइडिया नहीं कि मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी आइडिया नहीं कि अगर मैं कोई ऑनलाइन स्पेशली माइक भी मंगवा लूँ रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे माइक्स का भी आइडिया नहीं है। हाल ही में मैंने कुछ समय पहले JBL के एक माइक मंगवाए थे और आप यकीन नहीं मानोगे, उसे मेरे फ़ोन से कनेक्ट करके मैंने जब रिकॉर्डिंग करी उसकी रिकॉर्डिंग से ज़्यादा क्लियर आवाज़ मुझे मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग से ही आ रही थी। तो मैंने कभी कोई माइक भी नहीं लिया और उसे रिटर्न कर दिया। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर माइक आवाना फिर प्लीज़ मेरे फ़ोन की तो इस माइक से आप एडजस्ट कर लेना। सॉरी मैंने आपका 1 मिनट ले लिया, लेकिन ये मेरी चैनल और आप मेरी वीडियो से रिगार्डिंग बात थी जो मैं आपसे इन्फॉर्म या ना शेयर और इन्फॉर्म करना चाह रही थी। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैडम लैन ने वीर चांद से और चांसर सरन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, उन्हें उनके घर में पलने वाले उनके टुकड़ों पर पलने वालों के तक की कैटेगरी दे दी, जिसके कारण वीर चांसर और चांसर सरन बहुत अपसेट हो गए। यहाँ तक कि कुरेंट ने तो अपनी एक तरह से भाभी से 80% रिलेशनशिप ख़त्म ही कर दिए। अब आगे जहाँ इस जगह से वीर चांद से चांसर सरन जा चुके हैं, वहीं मैडम यू के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल है क्योंकि उन्होंने वीर चांद और चांसर सरन की बेइज्जती करी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वांग जी और लान शचैन की आंखों में आज पेन है, वो भी वी चांसे और चांसा सरन को बचपन से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि वी चांसे और चांसा सरन ने हमेशा उन्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है, कभी भी विंग और उन दोनों में अंतर नहीं किया। एक तरीके से जितना दर्द विंग को हुआ अपने पेरेंट्स की बेइज्जती होते हुए देखकर, उतना दर्द वांग जी और शचैन को भी हुआ। उन्हें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि उनकी मदर जो अभी तक सिर्फ सर्वेंट्स पे चिल्लाया करती थी, गुस्सा करती थी, वो कभी इस तरीके से वी चांसे और चांसा सरन के साथ भी बिहेव कर सकती हैं। इसलिए वो आज अपनी मदर से बहुत गुस्सा होता है। यहाँ तक कि वांग जी तो रुकता ही नहीं, अब गुस्से में अपनी मदर के पास आता है और अपने फादर को देखता है और बोलता है, आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोली उन्हें, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मदर, आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो सिर्फ यहाँ पे रहने वाले कोई ह्यूमन नौकर नहीं थे, बल्कि वो हमारे फैमिली मेंबर थे। वो मेरे फियांसे के फादर और मदर हैं, मेरे होने वाले इन लॉज हैं, और आप ऐसे कैसे उनके साथ बिहेव कर सकते हो, वो तुम्हारे इन लॉज नहीं है और ना ही वो तुम्हारा कोई फियांसा है। आपने कहा और मैंने मान लिया, आज आपके कहने पे अगर सब कुछ होता है तो मेरे कहने से भी आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं विंग के अलावा कभी किसी और को अपना ओमेगा नहीं मानूंगा, और आज आपने सचमुच में मुझे बहुत हर्ट किया है मदर, आज आपने मुझे इतना ज़्यादा नीचे पहुंचा दिया कि मैं अब शायद कभी दोबारा अपने वी चांसे फादर और चांसा मदर के आगे नज़र नहीं उठा पाऊँगा। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है, वांग जी उनके मतलब एक तरह से मैडम लैन के ऊपर गुस्सा करके चला गया। इस चीज़ से अचानक से मैडम लैन को भी झटका सा लग जाता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। वांग जी ने उनसे मतलब एक तरीके से पहली बार इतनी रूडली इतनी शाउट करके और इतने गुस्से में बात करी कि वो भी मतलब एक बार को यकीन नहीं कर पाई। वहीं वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी जिसे एकदम से मिंग्याओ पकड़ लेते हैं, और एकदम से अब शचैन मिंग्याओ को रोकते हुए कहते हैं, मत संभालो इन्हें, ये बहुत बड़ी हैं और हम लोग बहुत छोटे, क्या पता इन्हें तुम्हारा और मेरा रुकना भी यहाँ पसंद ना है, इनके इस बड़े से लैंड मेंशन में तुम्हारे और मेरे लिए भी जगह ना हो, क्योंकि इनकी नज़रों में तो ये बड़ा सा लैंड मेंशन इनके दोस्तों इनके फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए फैमिली मेंबर कोई नहीं रहे। ये बोलने के बाद और एक तरह से शचैन भी अपनी मदर को घूरता हुआ और गुस्सा करता हुआ चला जाता है, जिसके कारण एकदम से मैडम लैंड थोड़ा हड़बड़ा जाती है और गुस्सा करते हुए बोलती है, ये क्या हो गया मेरे दोनों बेटों को, ये मुझे कैसे बोल रहे हैं, ये भूल गए क्या मैं इनकी मदर हूँ, मैंने इन्हें जन्म दिया है, तो और तुम इनसे क्या एक्सपेक्ट करते होगी, तुम इनकी आंखों के आगे कि इन्हीं के परिवार के लोगों को बेइज्जत कर रही हो, वो लोग जिन्हें ये अपने मदर और फादर मानते थे उनकी इस तरीके से नौकरों वाली कैटेगरी में डाल रहे हो,
तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ये लोग माफ कर पाएंगे? सच कहूँ तो आज मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, अब था क्योंकि मैं तुम्हारे इस बेइज्जती तुम्हारे बच्चों के आगे नहीं करना चाहता था। लेकिन आज जो तुमने करा है उसके बाद मुझे सचमुच में अपने फादर की बात सही और अपना डिसीजन पे रिएक्ट हो रहा है। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि तुम एक घमंडी अखड़ू और हमेशा पैसे के घमंड में रहने वाली लड़की हो, लेकिन मैं उन्हें यही कहता था कि तुम दिल से बहुत साफ हो, तुम दिल से बहुत अच्छी हो। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं गलत हो गया। ये बोलने के बाद चिंगे जून भी आज अपसेट होकर चले गए। चिंगे जून आज शायद सबसे ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि वो एक साइड अपनी ही वाइफ जिससे के लिए वो सबसे ज़्यादा एक बार अपनी फैमिली के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को हर्ट किया। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन वी चांसे और चांसा सरन इन लोगों की फैमिली मेंबर थे, एक तरीके से सबसे क्लोज थे, और उन लोगों को हर्ट करके आज मैडम लैन ने अपनी फैमिली को अपने से दूर कर दिया। अब मैडम लैन बीचों बीच खड़ी हुई है, वहीं मैडम यू उनके पास आती है, कहती है तुम अपसेट मत हो, तुम्हारी फैमिली वो अभी इन लोगों के झूठे प्यार के चश्मे में बंधी हुई है, जब उन्हें सच दिखेगा ना तो वो लोग भी तुम पर ही बात पे ट्रस्ट करेंगे। तुम एक मिनट के लिए मेरे पास से चली जाओ प्लीज़, मैं थोड़े टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। आज मैडम लैन पहली बार मैडम यू का भी सपोर्ट ना करके उन्हें जाने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि मैडम लैन के लिए बहुत बड़ी झटके की बात थी कि ना उनका हस्बैंड ना ही उनके दोनों बच्चे उनके साथ हैं। वो जानती है कि उनके हस्बैंड और उनके दोनों बच्चे वो लोग कई मतलब मैडम लैन इससे पहले भी कई बार नौकरों पे चिल्लाई हैं, गुस्सा किया है, लड़ी हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं करती थी। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर दिया, और कहीं ना कहीं मैडम लैन अभी उस झटके में ही है। वहीं मैडम यू क्या कोशिश दोबारा भी करके अब कुछ कर नहीं पाती, और जैनचन का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती हैं। पूरे हॉल में मैडम लैन बिल्कुल अकेले खड़ी हैं, उनके दोनों बच्चे या उनका हस्बैंड भी उन पर गुस्सा है, और कुछ लोगों को उन्होंने खुद ही जान पूछे गुस्सा किया। अब नान कुरैन अपने रूम से अपने सारे बैग्स के साथ बाहर आ रहे हैं जो अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही रुके थे, और एकदम से स्टेयर्स के पास आते हैं और बोलते हैं आपके वो स्पेशल फ्रेंड्स जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ रुकना चाहते हैं, उनके लिए मैंने रूम खाली कर दिया है, और आगे से मैं आपके पोर्शन वाली साइड नहीं आऊँगा। इतना ही नहीं, वी चांस है और चांसेस सरन भी अब आपके फैमिली और आपके पोर्शन के कोई काम नहीं करेंगे, आगे से आपको ये कैसे संभालना है आप खुद मैनेज कीजिएगा। कहीं ना कहीं चिकरुड़ैन ये बोल के जाने ही वाले थे, जब अचानक से उन्हें पीछे से मैडम ने बताया तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम कहना चाहते हो कि मैं उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करती थी? आपने आज तो यही कहा ना कि आपके टुकड़ों पे आपके कारण आपकी यू नो चैरिटी के कारण वो लोग यहाँ रुके हुए थे, तो आप उन्हें नौकरी तो मानते थे, तो अगर मैंने कहा कि वो आगे से आपका कोई काम नहीं करेंगे तो इतना बुरा क्यों लगा आपको? जब आप बोले तो सब सही, जब मैं बोलूँ तो आपको बुरा लग गया। आज आपने उस इंसान को हर्ट किया है जिस इंसान ने आपकी खुशियों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। आपने क्या बोला था चांसा को कि उसे लैन में फैमिली की अय्याशी चाहिए थी, टाइटल चाहिए था, नाम चाहिए था, पर सच्चाई तो ये है कि ये लैन फैमिली का नाम टाइटल जो आपको मिला है ना, ये चांसा की आपको चैरिटी है, सबसे बड़ी चैरिटी तो आपको उसने करी है। आप जानती हैं कि मैं क्यों अपने फादर से नाराज था, क्यों गुस्सा था मैं अपने फादर से? उसका कारण ये था कि मेरे फादर ने चांसा को मुझसे पहले आपके हस्बैंड के लिए चुना था। आपको पता है मेरे फादर हमेशा आपके हस्बैंड की शादी चांसा सरन से करना चाहते थे। चांसा सरन उस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस फैमिली से बिलोंग करती थी, वो बाउशा सरन की बेटी थी जो बहुत ज़्यादा रिच थे उस समय, और मेरे फादर हर हाल में उनसे शादी करवाना चाहते थे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट बाउशा सरन ने मेरी फैमिली को देने के लिए कहा था। लैन फैमिली बर्बादी पे खड़ी थी, और उसे ठीक करने के लिए बाउशा सरन के पैसों की ज़रूरत थी, और बाउशा सरन ने सिर्फ यही शर्त रखी थी कि वो मरने से पहले हर हाल में अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे अल्फा से करना चाहती हैं। और इसी कारण मेरे फादर ने बाउशा सरन के सामने मेरे भाई चिंगे जुन का रिश्ता रखा था, और जिसे बाउशा सरन ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बाद में जब चिंगे जुन ने चांसा सरन से अकेले मिलके बताया कि वो आपको प्यार करते हैं, तो उस लेडी ने चुपचाप से उस रिश्ते से इनकार कर दिया और सबके आगे झूठ बोला कि वो वी चांसे से प्यार करती है। बाउशा ने आपकी खुशियों के लिए उस समय एक नौकर को चुना, उसने आपकी खुशियों के लिए मेरे फादर के अडॉप्टेड सन को चुना, वहीं बाउशा सरन अपनी बेटी की खुशी के कारण
अगर वो एक प्यार जिसे प्यार करते हैं उसी से शादी करवाने के लिए अग्री होगी। मेरे फादर को बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया जिसे एलन मेंशन बना, जिससे ये पूरा लैंड कॉपरेशन चलता है। और बाहुशा सरन को एक बहुत प्यार करने वाला अल्फा। मैं अपने फादर से नाराज था क्योंकि मुझे लगा वो मेरा नाम चांसा के लिए दें, क्योंकि चांसा जैसी लेडी कभी मिल नहीं सकती जो अपनी खुशियों से पहले आप किसी स्ट्रेंजर की खुशियों को पहले रखा। इतने बड़े नाम शोहरत और पैसे को छोड़कर एक आप उस इंसान की खुशी के लिए एक नौकर से शादी कर ली। और ये बोलने के बाद कुरैन मैडम लैन को शॉकिंगली वहाँ खड़ा छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद मैडम लैन अपने घुटनों पर गिर जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बाहुशा सरन की बेटी है। बाहुशा सरन का नाम उस समय बहुत फेमस था, सब लोग कहते हैं कि वो बहुत फेमस बिजनेस वूमेन थी। अचानक से उनकी फिर डेथ हो गई बीमारी में, और उनके कुछ मतलब प्रॉपर्टी चैरिटी में चली गई, और काफ़ी प्रॉपर्टी उनकी अभी भी कुछ इससे अलग अलग जगह है। उनकी इतनी रिच फैमिली की लड़की ने एक उनसे मतलब एक नौकर से शादी कर ली। ये सुन के कहीं ना कहीं अब मतलब एक तरह से मैडम लैन अपनी ही सोच पे मतलब अफसोस कर रही हैं। अगर बाहुशा सरन और चांसा सरन उस समय शर्त रख देती कि वो हर हाल में मतलब चिंगेजुन से ही शादी करेंगे तभी पैसा देंगे, तो उस हर हाल में चिंगेजुन को शादी करनी पड़ती। ये पूरा मेंशन, ये सब कुछ सिर्फ चांद बाहुशा सरन के पैसों की वजह से ही मतलब एक ना मैनेज हो पाया या मेंटेन हो पाया। ये सुनने के बाद अब मैडम लैन की आंखों से आंसू बह रहे। वो ये क्या कर बैठी, वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी, वो ये क्या बोल बैठी, वो अब वो क्या करेंगी, कैसे नज़र मिलाएंगी वो अपने हस्बैंड से, और कैसे अपने बच्चों को सच बता तो जानने के बाद पता चलेगा तो क्या होगा। कहीं ना कहीं अब मैडम लैन की आंखों में सचमुच पछतावे के आंसू हैं। कुछ पल का गुस्सा, कुछ पल का चढ़ाना एक किस तरीके से पूरी लाइफ बदल सकता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अब मैडम लैन को महसूस होगा, क्योंकि अब मैडम लैन कभी शायद वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो उनके बच्चों की आंखों में था वो वापस नहीं रहेंगी। अब मैडम लैन सबकी नज़रों में एक अकड़ू, घमंडी, पैसे पे घमंड करने वाली एटीट्यूड में भरी हुई औरत का टाइटल लेकर ही रह जाएंगी। मैडम लैन ये बात सोच सोच के अब रो रही हैं, लेकिन कहते ना अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब कुछ बदल, इस समय भी उनके दोनों बेटे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। वांगजी वहाँ से सीधा वी चांसे और चांसा सरन से ही मिलने जाते हैं। जब वो देखते हैं किस तरह से वी चांसे और चांसा सरन आज बहुत अपसेट हैं, वी उन्हें क्यों अपने माँ बाप को अपसेट देखकर बहुत अपसेट है। वांगजी अब डोर नॉक करते हुए रूम में एंट्री करते हैं, तो देखते हुए वी चांसे और चांसा सरन थोड़े अपने आंसू, थोड़ा सा अपना सैड फेस छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांगजी तुरंत चांसा सरन के सामने घुटनों पे बैठ जाते हैं और बहुत प्यार से चांसा सरन के हाथों को पकड़ लेते हैं और रोते हुए बोलते हैं, मदर आई एम सॉरी, मैं आपकी को सॉरी बोलना चाहता हूँ मदर की वजह से। मैं जानता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया कि वो मेरी मदर नहीं है जिन्हें मैं जानता था, जो आपकी तरह हम सबको बराबर प्यार करती थी, जो शायद ऊपर से कितना गुस्सा करती हूँ लेकिन दिल से वो बहुत ज़्यादा साफ थी। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई और लेडी हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, जिन्होंने मेरे सबसे क्लोज, सबसे प्यारे, सबसे करीबी लोगों को इतना हर्ट कर दिया। बचपन से ही आपने और मदर के बीच में मैंने कभी अंतर नहीं किया, लेकिन आज मदर ने मुझे आपके सामने अपराधी बना दिया। मुझे माफ़ कर दो मदर, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय आपके स्टैंड के लिए कुछ बोल नहीं पाया। नहीं रमजान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मेरा प्यारा आजान कभी मुझे हर्ट थोड़ी करता है, पर आज मैंने हर्ट किया। मैं क्यों नहीं वहाँ कुछ बोल पाया? क्योंकि तुम्हें मैंने पाला है, क्योंकि तुम्हें परवरिश मैंने दी है। अगर आज तुम अपनी मदर को जवाब देते, उनसे लड़ते, तो शायद मुझे ज़्यादा बुरा लगता। पर मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे ने मेरी परवरिश को ऊपर रखा, बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दिया, अपनी मदर से लड़े नहीं, और मैं उतनी ही खुश हूँ ये देखकर कि मेरा बच्चा मेरे पास आया। हमेशा से तुम और वी कभी अलग नहीं थे, मेरी नज़रों में तुम, वी और शिचैन तीनों बराबर हैं। इसी कारण तो हम तीनों आपके उतना ही प्यार करते हैं और उतने ही बड़े अपराधी हैं। इस बात पे अब चांसा सरन पीछे की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि शिचैन थे। शिचैन भी वांगजी की तरह तुरंत यहीं दौड़ के आए, वो भी अब वांगजी की तरह बिल्कुल चांसा सरन के पास आके बैठ गए। जैसे चांसा सरन ने वांगजी को उठा के अपनी एक साइड बैठा दिया था, अब दूसरी साइड शिचैन बैठे हैं, और वो भी बहुत रिक्वेस्टली चांसा सरन को देखते हुए बोलते हैं, इसीलिए तो हम तीनों भी अपराधी हैं। हम तीनों आपके सम्मान में आज कुछ नहीं बोल पाए। मैं सबसे बड़ा था, मुझे तो वहाँ पे एक बार आपके लिए बोलना था, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोल पाया।
आप मुझ पे भी बहुत नया गुस्सा होंगे ना मदर, आज कितनी गलत बात बोली उस समय, मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाया। मैं यही सोच रहा हूँ, जो बात मैंने अभी लांजान से कही वही बात मैं तुमसे कहूँगी, क्योंकि तुम तीनों मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे कभी किसी का सम्मान मतलब एक अपमान नहीं कर सकते। और मुझे खुशी है कि मेरे तीनों बच्चे मेरे पास हैं। और अब तुम तीनों बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं तुम तीनों को रोता हुआ देखकर ज़्यादा दुखी होंगी। आज तुम तीनों को अपसेट देखकर मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे तीनों बच्चे इस तरीके से रो रहे हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, ये मुझे ज़्यादा हर्ट कर रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अब तुम तीनों बिल्कुल रो। हाँ, और अब तुम तीनों चुपचाप अब आराम से अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अचानक से शिट चैन के साथ आया मिंग्याओ भी बिल्कुल वहीं आके बैठ जाता है और वो बहुत प्यार से चांसल सर के सर गोदी में सर रख लेता है घुटनों के बल बैठ के और बोलता है हम यहीं रहेंगे आपके पास क्योंकि हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा अपसेट हैं क्योंकि हमारी मदर रोई हैं। अब तुम सबसे बड़ी नौटंकी, आज अब मैं समझ रही हूँ क्यों वीन को तुम्हारे साथ इतना अच्छा लगता है। चुपचाप से मिंग्याओ रूम में जाओ, मैं तुम तीनों की वरना पिटाई लगा दूंगी। तो आज यहाँ पर मेरी जितनी चाहे उतनी पिटाई लगा सकते हैं क्योंकि हम चारों तो आज कहीं नहीं जाएंगे। एकदम से चांसा सरन को उनके चारों बच्चों ने घेर लिया है और वो बिल्कुल उनके पास बैठ गए हैं। चांसा सरन के साथ अब हंसी मजाक करने लगे हैं, उनका मूड थोड़ा फ्रेश करने लगे हैं। वहीं चांसा सरन भी अपने चारों बच्चों के साथ हाथ थोड़ा मुस्कुरा के देख रही हैं। कोई नहीं समझ सकता कि इस लेडी का ये मुस्कुराते चेहरे के पीछे इस समय एक बहुत बड़ा पेन है। वो अपने बच्चों को अपसेट नहीं करना चाहती, उन्हें सैड नहीं देखना चाहती, इसलिए वो नॉर्मल ही बिहेव कर रही हैं। अब थोड़ी देर में इन सबके पास कुरैन आ जाते हैं क्योंकि इन लोगों को चांसा सरन के पास इन लोगों को सुबह से शाम हो गई है शाम के खाने के लिए बुलाने के लिए, जिससे कोई जाना तो नहीं चाहता लेकिन कुरैन की बात मान के ये चारों यानी विंग वांग जी शिचैन और मिंग्याओ वहाँ से खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब के जाते ही दोबारा से चांसा सरन मुँह नीचे करके रोने लगती हैं। ऐसे अब वी चांसे और चांसा सरन की भी आंखों में सब कुछ बदल चुका है। आज वी चांसे अपनी बीवी को गले लगा के बहुत रोते हुए बीवी को गले लगा के बहुत अपसेट हो रहे हैं। वो रोते हुए मन में मतलब खुद के लिए भी पछता रहे हैं और वो रोते हुए मतलब जब वो रूम में अकेले बोलते हैं मैं जानता हूँ तुमने मुझे चुन के अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन ले लिया, तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी वाइफ के टाइटल पर रह गई हो, ये आप क्या बोल रहे हैं। मैं दुनिया की सबसे खुशनुमा ओमेगा हूँ, आपको याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। आज तक जब भी मुझे कोई कुछ कहता है तो वो आप हो जो मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड बन के खड़े हो जाते हो। आप जितना प्यार करने वाला अल्फा मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। आपने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट की, प्यार किया, सम्मान किया, बराबरी की सम्मान दिया। आज तक आपने कभी भी अपने अल्फा होने के मुझ पर आरोप नहीं झाड़ा। आप चाहे कम कमाते हो लेकिन मेरी खुशियों को सबसे ऊपर रखते हैं। मेरी आज तक ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपने पूरी ना की हो। और इतना प्यारा बच्चा विंग भी तो आपने मुझे दिया है। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ शादी करके पछताती हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको चुना। जितना प्यार आपने मुझे दिया दुनिया का कोई अल्फा मुझे नहीं दे सकता था। अब चांसे के फेस को पकड़ के बहुत प्यार से उनके लिप्स और माथे पे किस करती हैं और फिर बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते बोलते हैं आज तक एक दिन भी एक सेकंड भी मैंने अपने उस डिसीजन के लिए रिग्रेट फील नहीं किया। सच कहूँ तो मैं हर पल हर सेकंड जब तक जीऊँगी इस अपने उस डिसीजन के लिए लकी ही फील करूँगी क्योंकि मैंने आपको चुना। और ये बोलने के बाद जब चांसेस हैं फिर से वी चांसे के गले लग जाती है। वहीं वी चांसे भी अपनी वाइफ को बहुत प्यार से गले लगाते थे। ये बात सच है, वी चांसे अपनी बेइज्जती 10 बार सह सकते हैं लेकिन वो कभी भी चांसेस हैं इनके लिए कोई कुछ कहे कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऊपर से बहुत शांत रहते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यही कारण है कि चांसेस हैं उन्हें बहुत प्यार करती हैं। चाहे पास में कुछ भी हुआ हो लेकिन फ्यूचर जब मतलब अब तक वो सिर्फ वी चांसे को ही प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान भी देती हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत खुश हैं। और वहीं अचिंगे जून बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आज वो अपने अपने फादर के रूम में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, जिस इंसान ने उनके फादर का इतना सम्मान किया इतना प्यार किया वो उस इंसान की आज उन्हीं के घर में बेइज्जती हो गई। कहीं ना कहीं ये बात आज चिंगे जून को परेशान कर रही है। इसलिए अचानक से चिंगे जून बैठे बैठे ही उस चेयर पे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उन्हें अचानक से शायद हार्ट अटैक आ जाता है जो अभी तो कोई पहचान नहीं पाया लेकिन थोड़ी देर बाद खुद जब वी चांसे भी उसी रूम में
जैसे वो अब इस समय अपने फादर को मिस कर रहे हैं ना, तो वी चांस से भी अपने फादर यानी अपने अडॉप्टेड फादर को मिस करते हुए वहाँ पहुँचे थे। और वो जब वहाँ देखते हैं कि कैसे चिंगी जुन वहाँ पड़े हुए हैं, तो वो भी जोर जोर से सबको आवाज़ लगा के बुलाने लगते हैं। आधी रात ही सारा घर फिर से उठ जाता है। सब लोग उस रूम की तरफ दौड़ते हैं तो देखते हैं कि चिंगी जुन एक चेयर पर बेहाल हालत में पड़े हैं और उनकी मतलब धड़कन बहुत स्लो हो रही है। ये देख के कहीं ना कहीं सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है। कुरैन जो अपने भाई से बहुत नाराज़ है, वो भी अब वी चांसे के साथ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं मैडम ले अब रो रही हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं और उन्हें मैडम यूट्यूब करवाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय चांसा सरन मिंग्याओ और विंग को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सबके बहुत बुरे हाल हैं, वांग जी और विंग इस समय लान कुरैन के साथ और मतलब वी चांसे के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहीं बाकी लोग भी अब रो रो के ही से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने प्रॉपर चेक करता है, तुरंत उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है। बताया जाता है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक है। ये सुन के जैसे यहाँ हर कोई के उतने ही शॉक में है, किसी को लगा ही नहीं था कि हमेशा हेल्दी दिखने वाले, अपने खाने का इतना डाइट का ध्यान रखने वाले चिंग जुन को हार्ट अटैक आ सकता है। वहीं डॉक्टर उसका रीज़न बहुत ज़्यादा एक किसी चीज़ का स्ट्रेस लेना बताता है, जिसके कारण आप मैडम लैन अब बेंच पे बैठ के अपना सर पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। वहीं कुरैन आप जो बिल्कुल नहीं चाहते थे उन्हें चुप करना, वो आगे जाके उन्हें हल्का सा शांत भी करवाने की कोशिश करते हैं। ये चांसे और चांसेस हैं बेचारे एक दूसरे को देख रहे हैं, पर आज पूरी रात एक पर्सन भी हॉस्पिटल से जाता नहीं है। ये पूरी फैमिली हॉस्पिटल के अलग अलग जगह कॉर्नर में कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। वहीं वांग जी का भी ये हाल है, जो हॉस्पिटल के जो स्टेयर्स वाला केस होता है, जहाँ पर एग्जिट एक तरह से ना फायर एग्जिट वाला, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, उस एरिया में एक स्टेयर्स पर बैठ के मुँह नीचे करके रो रहा है, क्योंकि अपने फादर के इस हालत में देखकर कोई भी बच्चा कैसे तड़प सकता है, दुखी होता है। वैसे ही इस समय वांग जी की हालत है, जिसे कंधे पे उसे किसी का हाथ महसूस होता है। वैसे तो जैसे ही इस मतलब एक तरह से फायर एग्जिट का डोर खुला था, तो उसे पता चल गया था कि ये विंग है। विंग की स्मेल, उसकी ओमेगा स्मेल ही उसे ये चीज़ बता रही थी। विंग अब वांग जी के बिल्कुल पास आ जाता है। इसे देख के अब वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल ना करके विंग के कंधे पर सर रख के उसे साइड से हक करके रोने लगता है, जिसे विंग उसे बहुत प्यार से शांत करवाने लगता है। विंग भी बहुत अपसेट है, बहुत डरा हुआ है। चिंगी जुन उसके भी तो फादर हैं, बचपन से उन्हें फादर की तरह वो देख रहा है। और जैसे भी चांस उसे प्यार करते हैं, चिंगी जुन भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो भी अब आंसू वांग जी को चुप करवाते हुए खुद रोते हुए बोलते हैं, तुम रो क्यों रहे हो ऐसे, रो के तुम और क्यों डरा रहे हो मुझे, रो मत लंजा, हमारे फादर बिल्कुल ठीक है। फादर कल पहले की तरह बिल्कुल ठीक होके तुम्हारे साथ तरह सुबह जल्दी उठ के फिर से वॉक पे जाएंगे, तुम देखो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने बोला है ना, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सही टाइम पे वो यहाँ आ गए, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे, हम उनकी मेडिसिन का पूरा ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे उन्हें बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। प्लीज़ तुम रो मत लंजा, तुम्हारा रोना मुझे और ज़्यादा दुख पहुंचाता है। प्लीज़ विंग बहुत प्यार से आज रिक्वेस्टेड वांग जी को मना रहे हैं। उसे बेचारे को ज़्यादा पता तो नहीं किसी को कैसे मनाते हैं, लेकिन कोशिश वो पूरी कर रहा है। इस बात पे वांग जी भी अब विंग की तरफ देखे बहुत प्यार से अपना माथा और विंग का माथा टच करता है और बहुत प्यार से धीरे से बोलते हैं, हाँ हम उनका बहुत ध्यान रखेंगे, मैं वादा करता हूँ विंग, अब मैं उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दूंगा। हाँ, और उसके लिए तुम्हें भी स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़े समय तक तुम भी बहुत बीमार थे लंजा, इसलिए तुम भी प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है ना फादर ठीक हो जाएंगे, पर आज जो घर पे हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी ठीक हो पाएगा। आज मदर ने सबको हर्ट कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा मदर कभी ऐसा कर सकती थी। वो इतनी आगे कैसे बढ़ गई, उन्होंने फादर को इतना हर्ट किया, उन्होंने चंसा मदर को इतना हर्ट किया, भी बाबा को इतना हर्ट किया, हर कोई घर में आज हर कोई हर्ट है। मदर ने आज हर किसी का दिल दुखा दिया। तंजा तुम ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारी मदर है और बच्चों को अपनी मदर के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। माँ गलतियाँ कर सकती हैं, जब हम छोटे थे हम भी तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते थे, पर क्या मदर हमसे नाराज़ होती थी, क्या हमारी मदर हमसे बात नहीं करती थी, जैसे तुम और इस समय गगा नहीं कर रहे हो। मैंने देखा तुमने और गगा ने एक बार भी उनके पास नहीं गए, एक बार भी उनसे बात नहीं की, जो गलत बात है, माना उनसे गलती हुई है, लेकिन वो इस समय बहुत अकेली हैं। उनका हस्बैंड इस समय आईसीयू में है,
और तुम दोनों उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। प्लीज़ आप मदर के पास चलो और उनकी से एक बार बात कर लो। मैं जानता हूँ जो आज मदर ने करा है उसके बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। आज पहली बार मैंने भी अपने मदर और फादर को इस तरीके से रोते हुए टूटते हुए देखा है, लेकिन मैं इन सारी बातों को अभी नहीं लाना चाहता। लंजा चलो हमें मदर लैन के पास जाना है और उनसे पूछना है कि वो कैसी हैं। चलो, ये बोल के विंग हाथ पकड़ के वांग जी को मैडम लैन के पास ले जा रहा है। कितनी हैरानी की बात है ना, मैडम लैन जो हमेशा इस ओमेगा को बेकार ओमेगा है, उनके हस्बैंड के लिए उनके बेटे के लिए आई ठीक नहीं है, अकड़ू है, घमंडी है, बेवकूफ़ है, ट्रबल मेकर है, इनडिसिप्लिन है और पता नहीं कितने सारे गलत गलत टाइटल देती थी। आज वही ओमेगा उनके बेटे को उनके पास ले जा रहा है। आज वही ओमेगा इस सब जिस समय हर किसी का दिमाग इस परिस्थिति में अपनी सही जगह नहीं है, एक सही फैसला ले रहा है इस समय, और ज़्यादा मैडम लैन को गुस्सा दिखा के और मतलब उन्हें नखरे दिखाकर क्या मिलेगा कि उनकी तबीयत खराब करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि पहले उन्हें इस परिस्थिति को संभाला जाए। विंग भी वैसे अंदर से बहुत हर्ट है, विंग भी बहुत परेशान है। विंग ने भी आज कहीं ना कहीं मैडम लैन से अपने मन में एक अजीब सी दूरी तो बना ली है, लेकिन वो सारा गुस्सा नाराज़गी ये दूरी मैडम लैन को बाद में दिखाएगा। इस समय वो सब एक परिवार है और वो मुसीबत में है, वैसे सबका एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी है। नाराज़गी, गुस्सा, नफरत सब हो जाता है, लेकिन जब कोई इस तरीके से इस हालात में हो, यानी उनके हस्बैंड इस समय इस आईसीयू में हो, तो उन पर इस समय गुस्सा या नखरा दिखाने से अच्छा है उन्हें थोड़ा सा संभाला जाए। कहीं ना कहीं वीन आज इतनी समझदारी वाली तरह वांगजी को जब समझा रहा है, हाथ पकड़ के मैडम लैन के पास ले जा रहा है, तो वांगजी भी विंग को देख रहा है और मन में सोच रहा है एक समय था जब विंग को उसके आइडियल ओमेगा से बिल्कुल बाहर की कैटेगरी में आता है। विंग हम को देख कर वांगजी को लगता था कि ये तो उसका कभी लाइफ पार्टनर बनने के कैटेगरी में नहीं आ सकता, लेकिन आज वांगजी मन में सोच रहे हैं कि उसके ग्रैंडफादर कितना सही डिसीजन ले गए। वो विंग के अंदर वो देख सके जो शायद अभी कोई और नहीं देख सका, कि विंग दिल से चाहे मतलब कितने बचपन ये वाली हरकतें करता हो, दिल से कितना बच्चा हो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो हर परिस्थिति में ढलना जानता है। जैसे इस समय वो अपनी कोई नटखट बच्चों वाली हरकतें नहीं, इस समय एक समझदार इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, वो उसकी नेचर है तो नेचर की तरह कभी कभी गलतियाँ कर देता है, लेकिन वो एक बहुत समझदार और बहुत सुलझा हुआ ओमेगा है। वांग जी अब बिल्कुल मैम लैन के पास हैं, जिनके पास इस समय कोई नहीं बैठा था। मैडम यू और जंगचा थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे, फिर वो चले गए। ऑब्वियसली वो थोड़ी रात भर रुके यहाँ पे मैम लैन के साथ देते, वहीं चांसा सरन अपने हस्बैंड के साथ है और वहीं मिंग्याओ और शिचैन अलग हैं। मैडम लैन बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी जब देखती हैं कि सामने से विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उनकी तरफ लेके आ रहा है। वांग जी और विंग इस तरह से उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्हें लगा क्या ये दोनों उन पर गुस्सा करने या नाराज़ होंगे, लेकिन उससे उल्टा विंग वहाँ पे वांग जी को छोड़ के चुपचाप से चला जाता है और वांग जी अपने मदर के बिल्कुल पास बैठ जाता है, उनके हाथ पे हाथ रखता है। इसे वांग जी उनके मतलब पास में आए, ये देख के मैडम लैन जो बहुत देर से वैसे ही पहले रो रही थी, अब वो बिल्कुल वांग जी के कंधे पे सर रख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसे वांग जी सब शांत कराने लगते हैं, उम्मीद देने लगते हैं कि फादर ठीक हो जाएंगे। वांग जी ने बिल्कुल भी अपनी मदर पे इस समय कोई गुस्सा नहीं किया, वो जानता है विंग जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है, इसलिए वो अभी गुस्सा तो नहीं कर रहा, लेकिन दिल से वो अपनी माँ से बहुत नाराज़ है। हालात सुधरने के बाद वो अपनी नाराज़गी भी अपनी माँ को ज़रूर शो करेगा, लेकिन इस समय तो अपनी माँ को मना ही रहे कहीं ना कहीं। इस बात से मैडम लैन के मन में तसल्ली भी है कि उनका बच्चा कम से कम एक बच्चा तो उनके पास है, क्योंकि शिचैन तो उनके पास अभी तक नहीं है। शिचैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी मदर से। और आज का पार्ट यही रुकता है, सो कल देखेंगे आगे अब क्या होगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो कमेंट में देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय।